और दोस्तों अभी अभी गैस सिलेंडर को लेकर एक बड़ी खबर आई है। जी हाँ दोस्तों, ये खबर भारत के हर नागरिक के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि भारत का हर नागरिक गैस सिलेंडर यूज करता ही है। आपको बता दें, अगर आपका कनेक्शन HP का हो या भारत का हो, चाहे इंडियन का हो, यानी आपका गैस कनेक्शन चाहे किसी भी एजेंसी से हो, आपको इसका फायदा मिलेगा ही। आपको बता दें, लोकसभा चुनाव बिल्कुल नजदीक आ गए हैं, इसी के चलते सरकार हर तरीके से आम आदमी को खुश करना चाहती है, ताकि आने वाले चुनाव में सरकार को फिर से बहुमत मिल जाए। आपको बता दें, गैस सिलेंडर को लेकर जो बड़ी खबर आई है, उससे आपके जेब पे असर पड़ेगा। तो दोस्तों, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि सरकार की तरफ से आपको क्या बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है, तो इस वीडियो को ध्यान से आखिर तक देखें और इस वीडियो को थोड़ा सा भी ना भगाएं। तो चलिए, ज्यादा वक्त ना बर्बाद करते हुए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं। दोस्तों, गैस सिलेंडर को लेकर जो बड़ी खबर आई है, वो खबर हम आपको बताएं, उससे पहले आपको एक और खबर बताते हैं जो कि बिल्कुल ताजा है। जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर कि बिजली, पेट्रोल, बाइक हो जाएंगे सस्ते, GST काउंसिल आज ले सकता है बड़ा फैसला। जी हाँ दोस्तों, 10 जनवरी 2019 को GST की बैठक होने वाली है। आपको बता दें, इस बैठक के बाद बिजली भी सस्ती हो सकती है, साथ ही में पेट्रोल डीजल भी सस्ता हो सकता है। साथ ही में सरकार आपको और ही बड़ी खुशखबरी देने के लिए प्राकृतिक गैस के दामों में भी कटौती कर सकती है, यानी GST की दरों में। साथ ही आपको बता दें, इस GST के बाद मकान, फ्लैट भी सस्ते हो सकते हैं, साथ ही बाइक, स्कूटर भी सस्ते हो सकते हैं। आपको बता दें, इन सभी बातों में एक बात अहम है कि जो बिजली का बिल है, उसमें आपको 10% की राहत मिल सकती है। यानी अगर आप इस समय 1000 रुपए का बिजली बिल भरते होंगे, तो आपको सिर्फ 900 रुपए का बिजली बिल देना होगा। जो आपको सब्सिडी मिलती है, वो आपको मिलती ही रहेगी। साथ ही पेट्रोल डीजल भी सस्ता होगा, साथ ही मकान, फ्लैट भी सस्ते हो जाएंगे GST दर के घटने के बाद। तो आइए दोस्तों, अब आपको गैस सिलेंडर को लेकर जो बड़ी खबर आई है, वो भी बता देते हैं। ये खबर भी आपके लिए बहुत जरूरी थी, जो कि अभी हमने आपको बताया। दोस्तों, गैस सिलेंडर वाली खबर बताने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो तो देख रहे हैं, पर वीडियो को लाइक भी कर दें और शेयर भी कर दें। दोस्तों, आपका लाइक शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। दोस्तों, गैस सिलेंडर को लेकर जो बड़ी खबर आई है, आपको बता दें, उसके मुताबिक पहली जो खबर आई है, जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, कि अपने गांव में खोलें गैस एजेंसी, कंपनियां दे रही हैं मौका। जी हां दोस्तों, 8 ऐसे राज्य हैं जहां पर 92 एजेंसियां खोली जानी हैं। अगर आप भी गैस एजेंसी खोल लेते हैं, तो आप महीने के हजारों लाखों रुपए कमा सकते हैं। आपको बता दें, एजेंसी खोलने के लिए आपको 2 से 4 लाख रुपए का सिक्योरिटी देना पड़ेगा। हम आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे देंगे, वहां पर आपको सब कुछ पता चल जाएगा कि कौन से गांव में, कौन से जिले में एजेंसियां खोली जानी है। साथ ही आपको बता दें, एक और बड़ी रिपोर्ट आई है गैस सिलेंडर को लेकर। जैसा कि आप देख सकते हैं कि बीते कुछ महीनों में गैस सिलेंडर पर 200 से 250 रुपए की कटौती हुई है। आपको बता दें, ये उम्मीद है कि आने वाले दिनों में भी घरेलू गैस सिलेंडर पर और बिना सब्सिडी वाले सिलेंडर के दाम घटेंगे, जिससे आम आदमी को काफी राहत मिलेगी और उनके सीधे जेब पर असर पड़ेगा। आपको बता दें, बीते कुछ महीनों से लगातार गैस सिलेंडर के दामों में कमी आ रही है और उम्मीद है कि ये कटौती आगे भी होगी, तो जल्दी आम आदमी को बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। दोस्तों, जाते जाते आपके लिए एक छोटा सा सर्वे, अगर आप इसमें हिस्सा लेंगे तो इससे आपका माइंड भी तेज होगा। आपको इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके बताना है, भाजपा की सरकार आनी चाहिए या कांग्रेस की, आप किसकी सरकार चाहते हैं? इसका जवाब फटाफट से इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख डालिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। रोजाना की ताजा खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, तो बेल का आइकन जरूर दबाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।